जिसका सेंटर, ओके चलिए ये है आपका, जैसे हाँ एक्शन में, एक्शन में बेटा नीचे है ना, एक्शन में लिया बेटा, गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी बंद कर दो, ऊपर आएगा ना मैं बोलूंगा उतरो, दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बंद कमिश्नर की यहाँ पे पिछले ट्रक निकले उसके पास चला ऑडियो तो डाल चलते करेंगे। वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट। हाँ कौन चेंज हो रहा समझ में नहीं आ रहा है, बाबू 62 था समझ में नहीं आ रहा को, मॉनिटर देख रहा था ये सब मत ले आगे तो आगे आउट करो, हाँ ये थोड़ा आगे आगे करो, शूटिंग हो रही है उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होगा? फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की, मेरा नाम लोहा पहलवान है और इसमें थाने का सेटअप लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और यहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ। कहानी बेसिकली पुलिस वाले की, एक शहर है जहाँ पे लोहा पहलवान का शासन चलता है, प्रशासन का नहीं चलता है। पवन जी की एंट्री होती है, पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, टोटल कमर्शियल मसाला है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? प्रोडक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म, अगर मैं चौथी फिल्म कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के डायरेक्टर, बहुत क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर जो भी शूट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सके। प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर्स आए जो सही में फिल्म चलते हैं मजाक में। इसके अलावा आपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने, क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको परफेक्ट, अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है, तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए आपने देखा होगा छोटे बाल 55-60 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो की है इसमें, मैंने बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा लैंग्वेज के लेकर। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है ये, बहुत ही अलग है निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार, और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आर्य में फिल्म है लोहा पहलवान, जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं, और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की, अपने संजय भाई की उनकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है, तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी। और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इनके साथ हमने 3-4 फिल्में कर चुका हूं, तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है, तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा, इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन है। और पवन जी भी है फिल्म में तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में? पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक बहते हुए स्टार हैं, चमकते हुए एक स्टार हैं, तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगा, और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, हमारे आदर्श हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर जो है वो तो मेरे अजीज है क्योंकि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ, पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी, हमसे बढ़कर कौन, ज्वाला, फिर अभी टकराव हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है, तो बहुत ही अच्छे और उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके साथ काम करता है उनका दीवाना हो जाता है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ, तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये बात भी बताऊंगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी,
मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे फेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है बस, जो होगा आपको। थैंक यू सर। हारोलिंग, लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन हैं। सुशील जी का नाम है फिल्म लोहा पहलवान। हाँ, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है, और कैसे स्टारकास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म से? वो पहला दिन है पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपर स्टार है। और फिल्म की स्टारकास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई, पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी हुई कहानी लिखी हुई थी। फिल्म को हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे तो पवन जी के साथ करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू करें। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, अपने सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था, तो इस सिक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सिक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना, रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली एक बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है, और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है एक्चुअली, पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं। यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप कर पाया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है एक्चुअली। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो मतलब सिंसियर नहीं है एक्चुअली काम को लेके, और बस एक पुलिस थाना चल रहा है, किसी तरह चला रहे हैं ऐसा। सर, इसके अलावा खबर है कि आप निरहुआ को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म दिनेश जी के साथ में एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं, ये निषाद प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही है, इसमें दो लोग हैं, निषाद प्रोडक्शन और JML इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं, और ये इसके प्रोड्यूसर संजय निषाद हैं, इसी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संजय निषाद हैं। तो वो दिनेश जी के साथ में एक्चुअली प्लान कर रहे हैं हम लोग एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिनेमा लाइक बाहुबली, मगधीरा, बाजीराव मस्तानी, थोड़ा सा मतलब वो फील रखा है हम लोगों ने और उस तरह का सिनेमा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले? और आज कौन सा फिल्म की शूटिंग हो रही है? आज तो लोहा पहलवान की शूटिंग है, लोहा पहलवान की शूटिंग, पहलवान की कैरेक्टर इसके पवन जी, और मैं लोहा पहलवान के बेटी का रोल, मेरा नाम है बेटी, और साइक कैरेक्टर है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत प्यारी कहानी, बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्टोरी, नया पढ़ी लोहा पहलवान, देख के पढ़ के लोगों में दहशत तो फैला हुआ। आपका क्या किरदार होगा तुम? मैं लोहा पहलवान के बेटे का, यानी सुशील जी के बेटे का रोल करता हूँ, थोड़ा सा हीरोइन को बहुत प्यार कर रहा है, उसको पाने के लिए वो सारे हृदय को सबको रोल लगी। अच्छा, और पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का? पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पवन जी मेरे बड़े भाई, बड़ी हेल्प भी मेरे पापा के साथ, तो कैसा तो हमेशा रहे, बट बाल जी के साथ मैं पहली बार काम करूँ, पहले मौका मिले और अभी मौका मिला, सुशील जैसे मैंने काम किया, प्रकाश जैसे जी के साथ काम किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी के, प्रकाश जैसे जी और सुशील जी, जो मुझे रोल लेने सबका है,
थैंक यू सर। पहला सवाल आपका रहेगा। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और अपना किरदार किस तरह का होगा फिल्म में आपका? पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, मैं पायस पंडित, ये मेरी दूसरी मूवी है, इसका नाम है लोहा पहलवान। इसमें मेरे साथ हैं पवन सिंह। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ये एक बारवाली का कैरेक्टर है। एक्चुअली बारवाली का नहीं है, मतलब मैं बहुत सीधे घर की, गरीब घर की सीधी सी लड़की थी, और जिसमें कुछ विलन लोग मिलकर मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर देते हैं और मुझे लाकर बार में काम कराया जाता है। तो मैं इसमें बारवाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिसमें मेरे साथ पवन जी हैं जो मुझे वहां से मुझे बचाते हैं। फिर हम लोग बार में कैसे लड़कियों को लाया जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सारी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। तो ऐसी फिल्म में तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कोई रेफरेंस लिया, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, जैसे करीना हो गई काफी, और तब्बू है, तो किसी से रेफरेंस लिया और क्या प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर? हाँ, जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे कहा गया कि बार वाले का कैरेक्टर है। तो अभी मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की है टकराव, जिसका भी पैच वर्क कुछ बाकी है। उसके तुरंत बाद मुझे ये स्क्रिप्ट आ गई, तो मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कि मैं रियल बार में जा सकूं और वहां की लड़कियों को देख सकूं कैसा काम करती है वो। लेकिन इसके लिए मैंने यूट्यूब में चांदनी बार, करीना की चमेली, काफी मूवी पे मैंने सर्च किया, काफी उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़े और कैसा बिहेव करती, तो काफी कुछ मैंने सर्च किया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब है तो इजी है हम लोगों के लिए, हम सेट पे भी देख देख के काफी कुछ सीख लेते हैं। तो मैंने उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका उनकी सोच, काफी कुछ सीखा मैंने जी। इसके अलावा जो है आपने भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, तो कोई खास वजह, क्योंकि जो भी मॉडलिंग में जाती है वो पहले बॉलीवुड का सपना देखती है या फिर कोई और इंडस्ट्री का सपना देखती है, तो आपने भोजपुरी से अपनी शुरुआत क्यों की? देखिए, मैं आर्टिस्ट, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आर्टिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता लैंग्वेज, मेरे लिए काम मायने रखता है। मैं इस इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लगा मुझे काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ। तो मैं मॉडलिंग मैंने किया, टीवी शो भी किए। जब मुझे ये ऑफर हुआ भोजपुरी, तो मेरे दिमाग में पहले आया कि ना करूं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं रखता, आप आर्टिस्ट हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में बस अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है। अगर हम बचेंगे लैंग्वेज की, हम नहीं करें, हम तो अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से आ पाएंगे? भोजपुरी में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, अजय देवगन जी ने काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ तो इससे मेरा करियर खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे और मेरे करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, मुझे और काम मिलेगा और दर्शक मुझे जरूर सराहेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, अगर करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दर्शकों ने मुझे इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है, मुझे बैक टू बैक मूवी मिल रही है और हर मूवी में मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा है। पहली मूवी में मैंने नकचढ़ी बिगड़ी हुई लड़की का, मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर किया था, और उसकी दूसरी मूवी इतना चैलेंजिंग रोल, बार वाली का कैरेक्टर, गाँव की लड़की है सीधी सादी, कैसे बार वाली बन जाती है, कैसे लड़ती है अपनी जिंदगी में, तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा, इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया है, इतना अच्छा वेलकम किया है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शक मुझे जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा आज जो है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, और क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में, क्योंकि थोड़ा कुछ सिमिलर लग रहा है हमें बिपाशा बासु से, तो इस बारे में इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच, बिपाशा बासु की तरह अगर मैं दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअली मेरा ये फिल्म में ये लुक नहीं है, मेरा लुक बहुत ही सिंपल है, देसी लुक है, जो आपको मैं अभी तक मॉडर्न लुक में ही दिख रही हूँ हमेशा। अब मेरा आप लोग देसी लुक देखेंगे, पूरा ठेठ भोजपुरी लुक। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कि मैं बिपाशा बासु लग रही हूँ, और इसके बाद जो मेरा लुक है देसी है वो आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आज बिपाशा बासु की शादी भी है, तो उसके लिए कोई विश करना चाहेंगे बिपाशा बासु के लिए? ओ, आज बिपाशा की शादी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं बिपाशा को कहूंगी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और शादी की शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड, मैं पायस पंडित और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा।
प्रियंका जी, पायस जी, सॉरी पायस जी, ये इंडस्ट्री में जो भी अभी जो नई एक्ट्रेस आ रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जैसे शुरुआत की, अपने काफी इंस्पायर्ड करती है आप सभी लड़कियों को, तो कुछ टिप देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री है ये? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है. मैं नए लोगों से, जैसे कि मैं भी अभी नई हुई है, मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आपके साथ कौन हीरो है कौन वो, ये मैटर नहीं रखता. आप बस, आपको अगर कोई ऑफर आता है, कोई काम आता है, अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करो और उसमें अपना 100% दो, बस आपको अच्छा ही मिलेगा. भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है. आप अभी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो क्या सुधार करेंगी, कैसे सुधार करेंगी? देखिए, मैं तो कुछ सुधार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ इस फील्ड में, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे वेलकम करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे क्या जरूरत है. लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करें लोग, कि अच्छी स्क्रिप्ट. लोग, जरूरी नहीं कि बड़े बजट से ही कोई काम होता है. बजट ठीक है, आपका बजट कम है फिल्म में, अभी इसकी इंडस्ट्री छोटी है, इसका एक वो है, लेकिन स्क्रिप्ट पे, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करें, हीरोइन ओरिएंटल मूवी बनाए, ये सोच के ना बनाए कि नहीं भोजपुरी के दर्शकों को तो यही पसंद है तो हम यही बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे. मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा टेस्ट आप डेवलप करो तो हमारे दर्शक जरूर डेवलप करेंगे. मैं चाहती हूँ हीरोइन ओरिएंटल मूवी बने और रियलिटी पे मूवी बने और थोड़ी अच्छी मूवी, थोड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे अच्छा काम करे, बस मैं यही चाहती हूँ. अभी बॉलीवुड में एक दौर चल पड़ा है जैसे बायोपिक हो गई, तो ऐसी कोई मूवी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भोजपुरी के? बिल्कुल मैं करना चाहूंगी. देखिए, रियल जो स्टोरी होती है वो हर इंसान को छूती है, कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी हो, सब चाहते कि रियल स्टोरी. तो मैं अपील करना चाहूंगी दर्शकों से भी कि अगर ऐसी मूवी बनती तो प्लीज अपना सपोर्ट करें, देखें. और डायरेक्टर से भी कहना चाहूंगी कि अच्छी नई नई स्क्रिप्ट लेके आए, नए नए लोगों को चांस दे. ऐसा नहीं कि अब एक दौर चल गई, एक हीरोइन चल गई, अब एक हीरोइन के पास 500 काम है, उसके पास डेट ही नहीं है, नई नई हीरोइन को चांस ही नहीं मिलता. तो आप नई हीरोइन को भी चांस दें, उन्हें भी मौका दें और नए नए एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नया चीज कोशिश नहीं करोगे, इस डर से नहीं कि भाई भोजपुरी का ये टेस्ट ही है, तो आप रिस्क लो और दर्शक जरूर हमें सराहेंगे. तो बस मैं इतने कहना चाहूंगी अभी फिलहाल. अच्छा, जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो गई है, टकराव, जिसमें मैं आपको दूसरे भूमिका में दिखूंगी, दूसरे रोल में दिखूंगी. ये मेरी दूसरी मूवी है, इसमें मैं पूरी देसी, पूरा मतलब बाहर वाली का कैरेक्टर कर रही हूँ. तो मैं बस इतना कहूंगी कि बस सराहते जाएं और अच्छे और नए कलाकार के नए स्क्रिप्ट को आप सराहना दे, उसको आप पसंद करें, ताकि हम लोग कभी मनोबल बढ़े और हम नई नई मूवी बनाए. थैंक यू. पवन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का किरदार में नजर आने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर, और फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के जरिए हम अपने श्रोता बंधु के पैर छू के प्रणाम करते हैं. फिल्म के स्टोरी आदमी रिलीज के पहले ना बतावे पावेला, लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी बा. इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय निषाद जी और डायरेक्टर बानी इकबाल बख्श जी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बाणे. और विशेष बात ही बाकी इसमें जो मेन विलेन हैं सुशील सिंह जी, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं. और एक कलाकार जब जुड़ा है तो कोशिश रही कि अच्छा से अच्छा हो और बढ़िया होगा. पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, कोई रेफरेंस लिया था आपने, क्या क्या तैयारियां की थी इस किरदार के लिए आपने? आज हम एक बात और बता दें कि मैं अभी यूपी बिहार में 13 दिन लगातार शो करके आया हूँ, और इस लोहा पहलवान जो फिल्म के नाम बा, आज से एकर शूटिंग शुरू भइल है.
अच्छा समय अच्छा दिन देख के थोड़ा सा डेट के भी प्रॉब्लम बात, अभी 4 या 5 दिन का ही डेट दिया हूँ इस फिल्म के लिए, तो अभी शुरुआत है और आज 3-4 सीन है वो शूट होगा और इसके बाद हम बैठेंगे भैया के साथ कि क्या है कैसे है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, मजा आएगा। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बार इनके डायरेक्शन में काम करूंगा, अभी तो आज फिल्म की शुरुआत है और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, दो कलाकार जब मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे, जो क्या एक्सपीरियंस जो लगातार आप शो किए हैं उसके बारे में बताना चाहे? ये बहुत काफी दिनों के बाद हम लगातार इतना शो किए और बहुत मजा आया अपने श्रोता बंधु से मिलके और अपने श्रोता के सामने जाके अपने दिल के बात हम बताए, गाना गाए, हम लोग डांस किए, मेरा श्रोता बंधु भी भाई लोग जितने आते थे लाखों के तादाद में सब लोग डांस किए, बहुत मजा आया और लगा कुछ जीवन में नया किया, बहुत बहुत बढ़िया आया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये बात करें आप जो इस फिल्म के नायिका बने पायस पंडित, भोजपुरी सिनेमा में एंट्री के लिए बने, इनका कहना चाहे उनके साथ आपके हीरोइन बने फिल्म में? ये लाइन ऐसा है कि हम हो चाहे कोई भी हो, इस लाइन की ऊंचाई का कोई हद नहीं है, सीखना सबको है और पहली बार ये हमारे साथ काम करेंगी और अभी तो हम मेकअप रूम में है, निकलब अभी जाके मिलब और फिर आप लोगों से बात करो। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे? हम ये कहब कि बचपन से लेके आज तक जवन हमके प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते आ रहल बा और ये आशीर्वाद हमारे भाई लोग के, चाचा के, माई बहन के जितना घंटा, ओके चलिए ये है आपका जैसे हाँ एक्शन में, एक्शन में बेटा ठीक है ना, एक्शन में लिया बेटा, गाड़ी बंद कर दो, फिर ऊपर आएगा ना, मैं बोलूँगा उतरो, दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बढ़ना कमीशन की, यहाँ पे पिछले ट्रक निकले हुए उसके अंदर चला ऑडियो तो डाल, इधर आएगा कैमरा, उतरने बोलूँगा दोनों उतरेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है चल चेक करेंगे। वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट, हाँ फोन चेंज हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है ये बाबू, जिसके आगे 62 था, समझ में नहीं आया तेरे को, मॉनिटर देख रहा था, ये सब मत ले चुप करो, आगे जाओ तो आगे आओ, कौन कौन, हाँ ये थोड़ा आगे आगे जाओ, शूटिंग हो रही है इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होगा? फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की, मेरा नाम लोहा पहलवान है और इसमें खाने का सेटअप लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और यहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ, कहानी बेसिकली पुलिस वाले की और एक शहर है जहाँ पे लोहा पहलवान का शासन चलता है, प्रशासन का नहीं चलता है, पवन जी की एंट्री होती है, पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, टोटल कमर्शियल मसाला है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? डायरेक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के डायरेक्टर बहुत क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर, जो भी शूट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर्स आए कि जो सही में फिल्म चलते हैं मजाक में। इसके अलावा आपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने, क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको परफेक्ट, अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है, तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए आपने देखा होगा छोटे बाल, 55-60 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो किया इसमें, मैंने बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा लैंग्वेज के लेकर। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है
तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है ये, बहुत ही अलग है निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार। और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आरे में फिल्म है लोहा पहलवान, जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं। और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की अपने संजय भाई की, उनकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है, तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी। और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके साथ हमने तीन चार फिल्में कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है। तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा, इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन जी। और पवन जी भी है फिल्म में तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में? पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक तहते हुए स्टार हैं, चमकते हुए एक स्टार हैं, तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, हमारे आदर्श हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर जो है वो तो मेरे अजीज है क्योंकि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ, पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी, हमसे बढ़कर कौन, ज्वाला, फिर अभी टकराव हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है, तो बहुत ही अच्छे उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके साथ काम करता हूँ उनका दीवाना हो जाता है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ, तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये बात भी बताऊंगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है मेरे पास, जो होगा आपको। थैंक यू सो मच। हारोलिंग, लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन है। सुशील जी का नाम है फिल्म लोहा पहलवान। हाँ, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है और कैसे स्टार कास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म के लिए? वो पहला दिन है, पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपर स्टार है यहाँ पर। और फिल्म के स्टार कास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई, पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी हुई लिखी हुई थी फिल्म को। हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे तो पवन जी के साथ करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू करें। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, अपनी सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था तो इस सीक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सीक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना, रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है एक्चुअली, पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं, यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप कर पाया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है एक्चुअली,
यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो मतलब सिंसियर नहीं है एक्चुअली काम को लेके, और बस एक पुलिस थाना चल रहा है किसी तरह चला रहे हैं ऐसा। सर इसके अलावा खबर है कि आप निरहुआ को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ऐतिहासिक फिल्म है क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म हाँ, दिनेश जी के साथ में एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं, ये निषाद प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही है। इसमें दो लोग हैं, निषाद प्रोडक्शन और JML इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं। और ये इसके प्रोड्यूसर संजय निषाद हैं, इसी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संजय निषाद हैं। तो वो दिनेश जी के साथ में एक्चुअली प्लान कर रहे हैं हम लोग एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिनेमा लाइक बाहुबली, मगधीरा, बाजीराव मस्तानी, थोड़ा सा मतलब वो फील रखा है हम लोगों ने और उस तरह का सिनेमा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले? और आज कौन सा फिल्म की शूटिंग हो रही है? आज तो लोहा पहलवान की शूटिंग है, लोहा पहलवान की शूटिंग है, पालवन सिंह कैरेक्टर इसके पवन सिंह जी, और मैं लोहा पहलवान के बेटी का बोलता हूँ, मेरा नाम है बेटी, और साइक कैरेक्टर है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मैंने फिर पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत प्यारी फैमिली, बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्टोरी है, नया पढ़ लोहा पहलवान देख के पढ़ के लोगों में दहशत को फैला हुआ। आपका क्या किरदार होगा सर? मैं लोहा पहलवान के बेटे का, एनसीसी के बेटे का रोल करता हूँ, थोड़ा सा हीरोइन को बहुत प्यार करूँगा, उसको पाने के लिए वो सारे हृदय को सब कुछ रोल लिखी। अच्छा, और पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का? पवन जी के साथ काम करने बहुत अच्छा है, और पवन जी मेरे बड़े भाई बाजी से, हमने पहली बार काम किया, पहले मौका मिले और अभी मौका मिला है, सुशील जैसे मैंने काम किया, प्रकाश जैस जी के साथ काम किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रकाश जैस जी और सुशील जी जैसे जो मुझे जो भी मिले सबका मिला है। थैंक यू सर। पहला सवाल आपका रहेगा, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और अपना किरदार किस तरह का होगा फिल्म में आपका? पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, मैं पायस पंडित, ये मेरी दूसरी मूवी है, इसका नाम है लोहा पहलवान, इसमें मेरे साथ हैं पवन सिंह। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ये एक बार वाली का कैरेक्टर है, एक्चुअली बार वाली का नहीं है, मतलब मैं बहुत सीधे घर की, गरीब घर की सीधी सी लड़की थी, और जिसमें कुछ विलन लोग मिलकर मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर देते हैं और मुझे लाकर बार में काम कराया जाता है, तो मैं इसमें बार वाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिसमें मेरे साथ पवन जी हैं जो मुझे वहां से मुझे बचाते हैं, फिर हम लोग बार में कैसे लड़कियों को लाया जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सारी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो ऐसी फिल्म है। तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कोई रेफरेंस लिया, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, जैसे करीना हो गई काफी, और तब्बू है, तो किसी से रेफरेंस लिया और क्या प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर? हाँ, जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे कहा गया कि बार वाले का कैरेक्टर है, तो अभी भी मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की है टकराव, जिसका भी पैच वर्क कुछ बाकी है, उसके तुरंत बाद मुझे ये स्क्रिप्ट आ गई, तो मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कि मैं रियल बार में जा सकूं और वहां की लड़कियों को देख सकूं कैसा काम करती हैं वो, लेकिन इसके लिए मैंने यूट्यूब में चांदनी बार, करीना की चमेली, काफी मूवी पे मैंने सर्च किया, काफी उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़े और कैसा बिहेव करती, तो काफी कुछ मैंने सर्च किया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब है तो इजी है हम लोगों के लिए, हम सेट पे भी देख देख के काफी कुछ सीख लेते हैं, तो मैंने उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका उनकी सोच, काफी कुछ सीखा है मैंने जी। इसके अलावा जो है आपने भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, तो कोई खास वजह, क्योंकि जो भी मॉडलिंग में जाती है वो पहले बॉलीवुड का सपना देखती है या फिर कोई और इंडस्ट्री का सपना देखती है, तो आपने भोजपुरी से अपनी शुरुआत क्यों की? देखिए, मैं आर्टिस्ट, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आर्टिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता लैंग्वेज, मेरे लिए काम मायने रखता है। मैं इस इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लगा मुझे काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ, तो मैं मॉडलिंग मैंने किया, टीवी शो भी किए। जब मुझे ये ऑफर हुआ भोजपुरी, तो मेरे दिमाग में पहले आया कि ना करूं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं रखता, आप आर्टिस्ट हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में बस अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है। अगर हम
हम बचेंगे लैंग्वेज की हम नहीं करें हमने तो अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से आ पाएंगे। भोजपुरी में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, अजय देवगन जी ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ तो इससे मेरा करियर खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे और मेरे करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, मुझे और काम मिलेगा और दर्शक मुझे जरूर सराहेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, अगर करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दर्शकों ने मेरा इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है, मुझे बैक टू बैक मूवी मिल रही है और हर मूवी में मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा। पहली मूवी में मैंने नकचढ़ी बिगड़ी हुई लड़की का, मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर किया था और उसकी दूसरी मूवी इतना चैलेंजिंग रोल, बार वाली का कैरेक्टर, गाँव की लड़की है सीधी सादी, कैसे बार वाली बन जाती है, कैसे लड़ती है अपनी जिंदगी में, तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा, इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया है, इतना अच्छा वेलकम किया है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शक मुझे जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा आज जो है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में, क्योंकि थोड़ा कुछ सिमिलर लग रहा है हमें बिपाशा बासु से, तो इस बारे में इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच, बिपाशा बासु की तरह अगर मैं दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअली मेरा ये फिल्म में ये लुक नहीं है, मेरा लुक बहुत ही सिंपल है, देसी लुक है, जो आपको मैं अभी तक मॉडर्न लुक में ही दिख रही हूँ हमेशा। अब मेरा आप लोग देसी लुक देखेंगे, पूरा ठेठ भोजपुरी लुक। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कि मैं अभी पाशा आवासु लग रही हूँ और इसके बाद जो मेरा लुक है देसी है वो आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आज बिपाशा बासु की शादी भी है तो उसके लिए कोई विश करना चाहेंगे बिपाशा बासु के लिए? आज बिपाशा की शादी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं बिपाशा को कहूंगी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मैं पायस पंडित और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। वो हेलमेट आता था बस। प्रियंका जी, पायस जी, ये इंडस्ट्री में जो भी अभी जो नई एक्ट्रेस आ रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जैसे शुरुआत की, अपने काफी इंस्पायर्ड करती है आप सभी लड़कियों को, तो कुछ टिप देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री है ये? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं नए लोगों से, जैसे कि मैं भी अभी नई हूं, मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आपके साथ कौन हीरो है कौन वो, ये मैटर नहीं रखता। आप बस, आपको अगर कोई ऑफर आता है, कोई काम आता है, अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करो और उसमें अपना 100% दो, बस आपको अच्छा ही मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है, आप अभी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो क्या सुधार करेंगी, कैसे सुधार करेंगी? देखिए, मैं तो कुछ सुधार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ इस फील्ड में और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे वेलकम करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करे लोग, कि अच्छी स्क्रिप्ट लोग, जरूरी नहीं कि बड़े बजट से ही कोई काम होता है। बजट ठीक है, आपका बजट कम है फिल्म में, अभी इसकी इंडस्ट्री छोटी है, इसका एक वो है, लेकिन स्क्रिप्ट पे, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करे, हीरोइन ओरिएंटल मूवी बनाए, ये सोच के ना बनाए कि नहीं भोजपुरी के दर्शकों को तो यही पसंद है तो हम यही बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा टेस्ट आप डेवलप करो तो हमारे दर्शक जरूर डेवलप करेंगे। मैं चाहती हूँ हीरोइन ओरिएंटल मूवी बने और रियलिटी पे मूवी बने और थोड़ी अच्छी मूवी, थोड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे अच्छा काम करे, बस मैं यही चाहती हूँ। अभी बॉलीवुड में एक दौर चल पड़ा है, जैसे
बायोपिक हो गई, तो ऐसी कोई मूवी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भोजपुरी के? बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। देखिए रियल जो स्टोरी होती है वो हर इंसान को छूती है, कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी हो, सब चाहते कि रियल स्टोरी। तो मैं अपील करना चाहूंगी दर्शकों से भी कि अगर ऐसी मूवी बनती तो प्लीज अपना सपोर्ट करें, देखें। और डायरेक्टर से भी कहना चाहूंगी कि अच्छी नई नई स्क्रिप्ट लेके आए, नए नए लोगों को चांस दे। ऐसा नहीं कि अब एक दौर चल गए, एक हीरोइन चल गई, अब एक हीरोइन के पास 500 काम है, उसके पास डेट ही नहीं है, नई नई हीरोइन को चांस ही नहीं मिलता। तो आप नई हीरोइन को भी चांस दे, उन्हें भी मौका दे और नया नया एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नया चीज कोशिश नहीं करोगे, इस डर से नहीं कि भाई भोजपुरी का ये टेस्ट ही है, तो आप रिस्क लो और दर्शक जरूर हमें सराहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी फिलहाल। अच्छा, जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो गई है टकराव, जिसमें मैं आपको दूसरे भूमिका में दिखूंगी, दूसरे रोल में दिखूंगी। ये मेरी दूसरी मूवी है, इसमें मैं पूरी देसी पूरा मतलब बारवाली का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मैं बस इतना कहूंगी कि बस सराहते जाएं और अच्छे और नए कलाकार के नए स्क्रिप्ट को आप सराहना दें, उसको आप पसंद करें, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़े और हम नई नई मूवी बनाए। थैंक यू। पवन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का किरदार में नजर आने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर, और फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के जरिए हम अपने श्रोता बंधु के पैर छू के प्रणाम करते हैं। फिल्म के स्टोरी आदमी रिलीज के पहले ना बता पावेला, लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी बा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय निषाद जी और डायरेक्टर बानी इकबाल बख्श जी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बाने। और विशेष बात ही बाकी इसमें जो मेन विलेन हैं सुशील सिंह जी, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एक कलाकार जब जुड़ा है तो कोशिश रही कि अच्छा से अच्छा हो और बढ़िया होगा। पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, कोई रेफरेंस लिया था आपने, क्या क्या तैयारियां की थी इस किरदार के लिए आपने? आज हम एक बात और बता दें कि मैं अभी यूपी बिहार में 13 दिन लगातार शो करके आया हूँ, और इस लोहा पहलवान जो फिल्म के नाम बा, आज से एक शूटिंग शुरू भइल है। अच्छा समय अच्छा दिन देख के, थोड़ा सा डेट के भी प्रॉब्लम बा, तो अभी 4 या 5 दिन का ही डेट दिया हूँ इस फिल्म के लिए, तो अभी शुरुआत है और आज 3-4 सीन है वो शूट होगा, और इसके बाद हम बैठेंगे भैया के साथ कि क्या है कैसे है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, मजा आएगा। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श जी हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं पहली बार इनके डायरेक्शन में काम करूंगा, अभी तो आज फिल्म की शुरुआत है और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, दो कलाकार जब मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। दर्शक लोग से क्या कहे चाहिए, जो लगातार आप शो किए हैं उसके बारे में बताना चाहिए? ये बहुत काफी दिनों के बाद हम लगातार इतना शो किए और बहुत मजा आया अपने श्रोता बंधु से मिलके और अपने श्रोता के सामने जाके अपने दिल की बात हम बताए, गाना गाए, हम लोग डांस किए, मेरा श्रोता बंधु भी भाई लोग जितने आते थे लाखों के तादाद में सब लोग डांस किए, बहुत मजा आया और लगा कुछ जीवन में नया किया, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये बात करें आप जो इस फिल्म के नायिका बने पायस पंडित, अभी भोजपुरी सिनेमा में एंट्री के लिए बने, इनका कहना है उनके साथ आपके हीरोइन बने फिल्म में? ये लाइन ऐसा है कि हम हो चाहे कोई भी हो, इस लाइन की ऊंचाई का कोई हद नहीं है, सीखना सबको है, और पहली बार ये हमारे साथ काम करेंगी और अभी तो हम मेकअप रूम में है, निकलब अभी जाके मिलब और फिर आप लोगों से बात करब।
दर्शक लोग से क्या कहे चाहे हम ये कहब कि बचपन से लेके आज तक जौन हमके प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते आ रहल बा और ये आशीर्वाद हमारे भाई लोग के चाचा के माई बहन के जिसका सेंटर ओके चलिए ये है आपका जैसे हाँ एक्शन में बेटा ठीक है ना एक्शन में लिया बेटा गाड़ी बंद कर दो फिर ऊपर आएगा ना मैं बोलूंगा उतरो दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बढ़ना कमिश्नर के यहाँ पे पिछले ट्रक उसके ऑडियो तो डाल कैमरा उतरने बोलूंगा आगे बढ़े चर्चा करेंगे वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट हाँ कौन चेंज हो रहा समझ में नहीं आ रहा है ये बाप 62 था समझ में नहीं आ रहा मॉनिटर देख रहा था ये सब मत ले आगे जाओ तो आगे आउट कौन तो हाँ ये थोड़ा आगे इसके बारे में कुछ बताइए किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होगा फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की लोहा पहलवान है और इसमें खाने का सेटअप लगा हुआ है पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ कहानी बेसिकली पुलिस वाले की और एक शहर है जहाँ पर लोहा पहलवान का शासन चलता है प्रशासन का नहीं चलता है पवन जी की एंट्री होती है पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं टोटल कमर्शियल मसाला है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है डायरेक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म अगर मैं चौथी फिल्म कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से डायरेक्टर बहुत क्लियर बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर जो भी शूट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सकती है प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर्स आए कि जो सही में फिल्म बनाते हैं मजाक जी इसके अलावा आपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको परफेक्ट अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने किरदार के लिए आपने देखा होगा बचपन 7 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो की है इसमें मैंने बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है ये बहुत ही अलग है निश्चित रूप से थैंक यू सो मच जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आर्य में फिल्म है लोहा पहलवान जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूं लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की अपने संजय भाई की उनकी दूसरी फिल्म है पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा इनके साथ हमने 3-4 फिल्में कर चुका हूं तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन जी और पवन जी भी है फिल्म में तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक तहते हुए एक स्टार हैं चमकते हुए एक स्टार हैं तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगा और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं हमारे आदर्श हैं और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर जो है वो तो मेरे अजीज है जो कि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी हमसे बढ़कर कौन ज्वाला फिर अभी टकराव हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है तो बहुत ही अच्छे और उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके साथ काम करता उनका दीवाना हो जाता है धन्यवाद सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए
फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ। तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है, तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये बात भी बताऊँगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है मेरे पास, जो होगा आपको। थैंक यू सर। लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन है। सुशील जी का नाम है फिल्म लोहा पहलवान। हाँ, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है, और कैसे स्टार कास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म के लिए? वो पहला दिन है, पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपर स्टार है और फिल्म की स्टार कास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई। पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी कहानी लिखी गई थी। फिल्म को हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे तो पवन जी के साथ करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू करें। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, अपनी सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था, तो इस सीक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सीक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली एक बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है एक्चुअली, पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं। यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप कर पाया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है एक्चुअली। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो मतलब सिंसियर नहीं है एक्चुअली काम को लेके, और बस एक पुलिस थाना चल रहा है किसी तरह चला रहे हैं ऐसा। सर, इसके अलावा खबर है कि आप निरहुआ को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ऐतिहासिक फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म, हाँ, दिनेश जी के साथ में एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली, ये निषाद प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही है। इसमें दो लोग हैं, निषाद प्रोडक्शन और JML एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं और ये इसके प्रोड्यूसर संजय निषाद हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संजय निषाद हैं। तो वो दिनेश जी के साथ में एक्चुअली प्लान कर रहे हैं हम लोग एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिनेमा लाइक बाहुबली, मगधीरा, बाजीराव मस्तानी, थोड़ा सा मतलब वो फील रखा है हम लोगों ने और उस तरह का सिनेमा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले और आज कौन सा फिल्म शूटिंग हो रही है? आज तो लोहा पहलवान की शूटिंग है, लोहा पहलवान की शूटिंग है, पालबंग जी थिएटर है इसके, और मैं लोहा पहलवान के बेटे का रोल आपका क्या किरदार होगा? तो मैं लोहा पहलवान के बेटे का, यानी किसी के बेटे का रोल, थोड़ा साइकिल हीरोइन को बहुत प्यार करता है, उसको पाने के लिए वो सारे हृदय को सबको रोल ले चुकी है। अच्छा, और पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का? पवन जी सब काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, पवन जी मेरे बड़े भाई,
बड़ी हेल्प की थी मेरे पापा के साथ, कैसा तो हमेशा रहेगा बट मुझे बाजी सर मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, पहले मौका नहीं मिला और अभी मौका मिला है। कुछ ही देर तक मैंने काम किया प्रकाश जी जी के साथ काम किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मित्र को प्रकाश जी जी और सुशील भैया को जी दोनों जी जो भी मैंने सबका बुलाया। थैंक यू सर। पहला सवाल आपका रहेगा। हाँ ठीक है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और अपना किरदार किस तरह का होगा फिल्म में आपका? पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, मैं पायस पंडित, ये मेरी दूसरी मूवी है, इसका नाम है लोहा पहलवान। इसके इसमें मेरे साथ हैं पवन सिंह। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ये एक बार वाली का कैरेक्टर है, एक्चुअली बार वाली का नहीं है, मतलब मैं बहुत सीधे घर की, गरीब घर की सीधी सी लड़की थी और जिसमें कुछ विलन लोग मिलकर मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर देते हैं और मुझे लाकर बार में काम कराया जाता है। तो मैं इसमें बार वाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसमें मेरे साथ पवन जी हैं जो मुझे वहां से मुझे बचाते हैं। फिर हम लोग बार में कैसे लड़कियों को लाया जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सारी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है। तो ऐसी फिल्म में तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कोई रेफरेंस लिया, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, जैसे करीना हो गई काफी और तब्बू है, तो किसी से रेफरेंस लिया और क्या प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर? हाँ, जब मैंने मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे कहा गया कि बार वाले का कैरेक्टर है, तो अभी मैं अभी मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की है टकराव, जिसका भी पैच वर्क कुछ बाकी है, उसके तुरंत बाद मुझे ये स्क्रिप्ट आ गई तो मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कि मैं रियल बार में जा सकूं और वहां की लड़कियों को देख सकूं कैसा काम कर सकती करती हैं वो। लेकिन इसके लिए मैंने यूट्यूब में चांदनी बार, करीना की चमेली, काफी मूवी पे मैंने सर्च किया, काफी उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़े और कैसा बिहेव करती, तो काफी कुछ मैंने सर्च किया है क्योंकि आजकल यूट्यूब है तो इजी है हम लोगों के लिए, हम सेट पे भी देख देख के काफी कुछ सीख लेते हैं। तो मैंने उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका उनकी सोच, काफी कुछ सीखा है मैंने जी। इसके अलावा जो है आपने भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, तो कोई खास वजह, क्योंकि जो भी मॉडलिंग में जाती है वो पहले बॉलीवुड का सपना देखती है या फिर कोई और इंडस्ट्री का सपना देखती है, तो आपने भोजपुरी से अपनी शुरुआत क्यों की? देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आर्टिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता लैंग्वेज, मेरे लिए काम मायने रखता है। मैं इस इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लगा मुझे काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ। तो मैं मॉडलिंग मैंने किया, टीवी शो भी किए। जब मुझे ये ऑफर हुआ भोजपुरी तो मेरे दिमाग में पहले आया कि ना करूं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं रखता, आप आर्टिस्ट हो आपको किसी भी लैंग्वेज में बस अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है। अगर हम बचेंगे लैंग्वेज की, हम नहीं करें, हम नहीं, तो अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से आ पाएंगे? भोजपुरी में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, अजय देवगन जी ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ तो इससे मेरा करियर खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे और मेरे करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, मुझे और काम मिलेगा और दर्शक मुझे जरूर सराहेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, अगर करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दर्शकों ने मेरा इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है, मुझे बैक टू बैक मूवी मिल रही है और हर मूवी में मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा है। पहली मूवी में मैंने नकचढ़ी बिगड़ी हुई लड़की का, मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर किया था और उसकी दूसरी ठीक दूसरी मूवी इतना चैलेंजिंग रोल, बार वाली का कैरेक्टर, गाँव की लड़की है सीधी सादी, कैसे बार वाली बन जाती है, कैसे लड़ती है अपनी जिंदगी में, तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा, इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया है, इतना अच्छा वेलकम किया है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शक मुझे जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा आज जो है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में, क्योंकि थोड़ा कुछ सिमिलर लग रहा है हमें बिपाशा बासु से, तो इस बारे में इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच, बिपाशा बासु की तरह अगर मैं दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअली मेरा ये फिल्म में ये लुक नहीं है, मेरा लुक बहुत ही सिंपल है, देसी लुक है, जो आपको मैं अभी तक मॉडर्न लुक में ही दिख रही हूँ हमेशा, अब मेरा आप लोग देसी लुक देखेंगे, पूरा ठेठ भोजपुरी लुक। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कि मैं अभी पाशा आवासु लग रही हूँ और इसके बाद जो मेरा लुक है देसी है वो आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आज बिपाशा बासु की शादी भी है तो उसके लिए कोई विश करना चाहेंगे बिपाशा बासु के लिए? आज बिपाशा की शादी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं बिपाशा को कहूंगी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और शादी की शुभकामनाएं।
हेलो फ्रेंड, मैं पायस पंडित और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। वो हेलमेट आता था प्रियंका जी, सॉरी पायस जी, ये इंडस्ट्री में जो भी अभी जो नई एक्ट्रेस आ रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जैसे शुरुआत की, अपने काफी इंस्पायर्ड करती है आप सभी लड़कियों को, तो कुछ टिप देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री है ये? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं नए लोगों से, जैसे कि मैं भी अभी नई, ये मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आपके साथ कौन हीरो है कौन वो, ये मैटर नहीं रखता। आप बस, आपको अगर कोई ऑफर आता है, कोई काम आता है, अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करो और उसमें अपना 100% दो, बस आपको अच्छा ही मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है। आप अभी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो क्या सुधार करेंगी, कैसे सुधार करेंगी? देखिए, मैं तो कुछ सुधार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ इस फील्ड में, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे वेलकम करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करे लोग, कि अच्छी स्क्रिप्ट लोग, जरूरी नहीं कि बड़े बजट से ही कोई काम होता है। बजट ठीक है, आपका बजट कम है फिल्म में, अभी इसकी इंडस्ट्री छोटी है, इसका एक वो है, लेकिन स्क्रिप्ट पे, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करे, हीरोइन ओरिएंटल मूवी बनाए, ये सोच के ना बनाए कि नहीं भोजपुरी के दर्शकों को तो यही पसंद है तो हम यही बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा टेस्ट आप डेवलप करो तो हमारे दर्शक जरूर डेवलप करेंगे। मैं चाहती हूँ हीरोइन ओरिएंटल मूवी बने और रियलिटी पे मूवी बने और थोड़ी अच्छी मूवी, थोड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे अच्छा काम करे, बस मैं यही चाहती हूँ। अभी बॉलीवुड में एक दौर चल पड़ा है जैसे बायोपिक हो गई, तो ऐसी कोई मूवी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भोजपुरी के? बिल्कुल, मैं करना चाहूंगी। देखिए, रियल जो स्टोरी होती है वो हर इंसान को छूती है, कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी हो, सब चाहते कि रियल स्टोरी। तो मैं अपील करना चाहूंगी दर्शकों से भी कि अगर ऐसी मूवी बनती तो प्लीज अपना सपोर्ट करें, देखें। और डायरेक्टर से भी कहना चाहूंगी कि अच्छी नई नई स्क्रिप्ट लेके आए, नए नए लोगों को चांस दे। ऐसा नहीं कि अब एक दौर चल गए, एक हीरोइन चल गई, अब एक हीरोइन के पास 500 काम है, उसके पास डेट ही नहीं है, नई नई हीरोइन को चांस ही नहीं मिलता। तो आप नई हीरोइन को भी चांस दें, उन्हें भी मौका दें और नया नया एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नया चीज कोशिश नहीं करोगे, इस डर से नहीं कि भाई भोजपुरी का ये टेस्ट ही है, तो आप रिस्क लो और दर्शक जरूर हमें सराहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी फिलहाल। अच्छा, जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो गई है टकराव, जिसमें मैं आपको दूसरे भूमिका में दिखूंगी, दूसरे रोल में दिखूंगी। ये मेरी दूसरी मूवी है, इसमें मैं पूरी देसी, पूरा मतलब बारवाली का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मैं बस इतना कहूंगी कि बस सराहते जाएं और अच्छे और नए कलाकार के नए स्क्रिप्ट को आप सराहना दें, उसको आप पसंद करें, ताकि हम लोग कभी मनोबल बढ़े और हम नई नई मूवी बनाए। थैंक यू। पवन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का किरदार में नजर आने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर, और फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के जरिए हम अपने श्रोता बंधु के पैर छू के प्रणाम करते हैं। फिल्म के स्टोरी आदमी रिलीज के पहले ना बता पावेला, लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी बा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय निषाद जी और डायरेक्टर बानी इकबाल बख्श जी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बाणे,
और विशेष बात ही बाकी इसमें जो मेन विलेन है सुशील सिंह जी हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एक कलाकार जब जुड़ा है तो कोशिश रही कि अच्छा से अच्छा हो और बढ़िया होगा। पुलिस ऑफिसर के किरदार में है तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, कोई रेफरेंस लिया था आपने, क्या क्या तैयारियां की थी इस किरदार के लिए आपने? आज हम एक बात और बता दें कि मैं अभी यूपी बिहार में 13 दिन लगातार शो करके आया हूँ और इस लोहा पहलवान जो फिल्म के नाम बा आज से एकर शूटिंग शुरू भइल है। अच्छा समय अच्छा दिन देख के थोड़ा सा डेट के भी प्रॉब्लम बा, तो अभी 4 या 5 दिन का ही डेट दिया हूँ इस फिल्म के लिए, तो अभी शुरुआत है और आज 3-4 सीन है वो शूट होगा और इसके बाद हम बैठेंगे भैया के साथ कि क्या है कैसे है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, मजा आएगा। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल गोजी हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं पहली बार इनके डायरेक्शन में काम करूंगा, अभी तो आज फिल्म की शुरुआत है और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, दो कलाकार जब मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे, जो क्या एक्सपीरियंस जो लगातार आप शो किए हैं उसके बारे में बताना चाहे? ये बहुत काफी दिनों के बाद हम लगातार इतना शो किए और बहुत मजा आया अपने श्रोता बंधु से मिलके और अपने श्रोता के सामने जाके अपने दिल की बात हम बताए, गाना गाए, हम लोग डांस किए, मेरा श्रोता बंधु भी भाई लोग जितने आते थे लाखों के तादाद में सब लोग डांस किए, बहुत मजा आया और लगा कुछ जीवन में नया किया, बहुत बहुत बढ़िया आया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये बात करें जो इस फिल्म के नायिका बने पायस पंडित, अभी भोजपुरी सिनेमा में एंट्री के लिए बने, इनका कहना चाहे उनके साथ आपके हीरोइन बने फिल्म में? ये लाइन ऐसा है कि हम हो चाहे कोई भी हो, इस लाइन के ऊंचाई का कोई हद नहीं है, सीखना सबको है और पहली बार ये हमारे साथ काम करेंगी और अभी तो हम मेकअप रूम में है, निकलब अभी जाके मिलब और फिर आप लोगों से बात करब। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे? हम ये कहब कि बचपन से लेके आज तक जौन हमके प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते आ रहल बा और ये आशीर्वाद हमारे भाई लोग के, चाचा के, माई बहन के जीप का सेंटर, ओके चलिए ये है आपका, जैसे हाँ एक्शन में, एक्शन में बेटा नीचे है, एक्शन में लिया बेटा, गाड़ी बंद कर दो, फिर ऊपर आएगा ना, मैं बोलूंगा उतरो, दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बढ़ना कमिश्नर की, यहाँ पे पिछले ट्रक देख ले उसके पास, चलो ऑडियो तो डाल, इधर आएगा कैमरा, चर्चा करेंगे। वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट, हाँ फोन चेंज हो रहा, समझ नहीं आ रहा है, 62 था, समझ नहीं आ रहा, मॉनिटर देख रहा था, ये सब मत ले, आगे 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 फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की, मेरा लोहा पहलवान है और इसमें खाने का सेटअप लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और यहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ। कहानी बेसिकली एक पुलिस वाले की और एक शहर है जहाँ पे लोहा पहलवान का शासन चलता है, प्रशासन का नहीं चलता है। पवन जी की एंट्री होती है, पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, टोटल कमर्शियल मसाला। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? प्रोडक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, अगर मैं चौथी फिल्म कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के डायरेक्टर, बहुत क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर, जो भी शूट करते हैं वो
बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सके। प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर आए जो सही में फिल्म मजाक में। इसके अलावा आपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने, क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको परफेक्ट अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है, तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए आपने देखा होगा मेरे बाल 55-60 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो की है इसमें मैंने, बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा लैंग्वेज के लिए। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है, ये बहुत ही अलग है निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार, और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आरे में फिल्म है लोहा पहलवान, जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं, और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की अपने संजय भाई की, उनकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है, तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी। और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके साथ हमने 3-4 फिल्में कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है, तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को, और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन है। जी, और पवन जी भी है फिल्म में तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में? पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक तहते हुए एक स्टार हैं, चमकते हुए एक स्टार हैं, तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगी, और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, हमारे आदर्श हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर जो हैं वो तो मेरे अजीज ही हैं, क्योंकि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ, पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी, हमसे बढ़कर कौन, ज्वाला, फिर अभी टकराव हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है, तो बहुत ही अच्छे उनके साथ काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जो भी उनके साथ काम करता है उनका दीवाना हो जाता है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ, तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये बात भी बताऊंगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे फेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है बस, जो होगा आपको। थैंक यू सो मच। लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन है, सुशील जी का नाम है फिल्म लोहा पहलवान। हाँ, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है और कैसे स्टार कास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म का? वो पहला दिन है, पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपर स्टार है और फिल्म के स्टार कास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई, पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी कहानी लिखी हुई थी, फिल्म को हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे तो पवन जी के साथ करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू करें। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब
एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था, तो इस सिक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सिक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है, और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है एक्चुअली, पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं। यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप कर पाया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है एक्चुअली। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो मतलब सिंसियर नहीं है एक्चुअली काम को लेके, और बस एक पुलिस थाना चल रहा है किसी तरह चला रहे हैं ऐसा। सर इसके अलावा खबर है कि आप निरहुआ को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म हाँ, दिनेश जी के साथ में एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली, ये निषाद प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही है, इसमें दो लोग हैं निषाद प्रोडक्शन और जे एम एल इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं, और ये इसके प्रोड्यूसर संजय निषाद हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संजय निषाद हैं, तो वो दिलीप जी के साथ में एक्चुअली प्लान कर रहे हैं हम लोग एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिनेमा लाइक बाहुबली, मगधीरा, बाजीराव मस्तानी, थोड़ा सा मतलब वो फील रखा है हम लोगों ने और उस तरह का सिनेमा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले और आज कौन सा फिल्म की शूटिंग हो रही है? आज तो लोहा पहलवान की शूटिंग, लोहा पहलवान पालबंग जी कैरेक्टर है इसके, मैं लोहा पहलवान के बेटे का रोल कर रहा हूँ, मेरा नाम है बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंने पढ़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत प्यारी फैन, बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्टोरी है, नया बन लोहा पहलवान देख के पढ़ के लोगों में दहशत तो करना होगा। आपका क्या किरदार होगा फिर? मैं लोहा पहलवान के बेटे का, यानी किसी के बेटे का रोल कर रहा हूँ, थोड़ा साइड किया हीरोइन को बहुत प्यार कर रहा हूँ, उसको पाने के लिए वो सारे हृदय को सबसे रोल लेती थी। अच्छा, और पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का? पवन जी सब काम बहुत अच्छा है, और पवन जी मेरे बड़े भाई उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरे पापा के साथ तो पहचान तो हमेशा रहेगा, बट मेरे इकबाल जी सब मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, पहले मौका मिला और अभी मौका मिला, सुशील जैसे मैंने काम किया, प्रकाश जैसे जी के साथ काम किया, और मैं बहुत बहुत जवान जैसे प्रोड्यूसर थे प्रकाश जैसे जी को और सुशील जी अपने दोनों के लिए सबका मिला है। थैंक यू सर। पहला सवाल आपका रहेगा? हाँ ठीक है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और अपना किरदार किस तरह का होगा फिल्म में आपका? पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, मैं पायस पंडित, ये मेरी दूसरी मूवी है, इसका नाम है लोहा पहलवान, इसमें मेरे साथ हैं पवन सिंह, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ये एक बार वाली का कैरेक्टर है, एक्चुअली बार वाली का नहीं है, मतलब मैं बहुत सीधे घर की, गरीब घर की सीधी सी लड़की थी, और जिसमें कुछ विलन लोग मिलकर मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर देते हैं और मुझे लाकर बार में काम कराया जाता है, तो मैं इसमें बार वाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिसमें मेरे साथ पवन जी हैं जो मुझे वहां से मुझे बचाते हैं, फिर हम लोग बार में कैसे लड़कियों को लाया जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सारी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो ऐसी फिल्म में। तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कोई रेफरेंस लिया, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, जैसे करीना हो गई काफी, और तब्बू है, तो किसी से रेफरेंस लिया और क्या प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर? हाँ, जब मैंने मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे कहा गया कि बार वाले का कैरेक्टर है, तो अभी मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की है टकराव, जिसका भी पैच वर्क कुछ बाकी है, उसके तुरंत बाद मुझे ये स्क्रिप्ट आ गई, तो मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कि मैं रियल बार में जा सकूं और वहां की लड़कियों को देख सकूं कैसा काम करती हैं वो, लेकिन इसके लिए मैंने यूट्यूब में चांदनी बार, करीना की चमेली, काफी मूवी पे मैंने सर्च किया, काफी उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़े
बोले और कैसा बिहेव करती, तो काफी कुछ मैंने सर्च किया है क्योंकि आजकल यूट्यूब है तो इजी है हम लोगों के लिए, हम सेट पे भी देख देख के काफी कुछ सीख लेते हैं। तो मैंने उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका उनकी सोच, काफी कुछ सीखा है मैंने जी। इसके अलावा जो है आपने भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, तो कोई खास वजह, क्योंकि जो भी मॉडलिंग में जाती है वो पहले बॉलीवुड का सपना देखती है या फिर कोई और इंडस्ट्री का सपना देखती है, तो आपने भोजपुरी से अपनी शुरुआत क्यों की? देखिए मैं आर्टिस्ट, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आर्टिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता लैंग्वेज, मेरे लिए काम मायने रखता है। मैं इस इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लगा मुझे काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ। तो मैं मॉडलिंग मैंने किया, टीवी शो भी किए। जब मुझे ये ऑफर हुआ भोजपुरी तो मेरे दिमाग में पहले आया कि ना करूं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं रखता, आप आर्टिस्ट हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में बस अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है। अगर हम बचेंगे लैंग्वेज की, हम नहीं करें, हम तो अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से आ पाएंगे। भोजपुरी में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, अजय देवगन जी ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ तो इससे मेरा करियर खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे और मेरे करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, मुझे और काम मिलेगा और दर्शक मुझे जरूर सराहेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, अगर करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दर्शकों ने मेरा इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है, मुझे बैक टू बैक मूवी मिल रही है और हर मूवी में मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा है। पहली मूवी में मैंने नकचड़ी बिगड़ी हुई लड़की का, मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर किया था, और उसकी दूसरी मूवी इतना चैलेंजिंग रोल, बार वाली का कैरेक्टर, गाँव की लड़की है सीधी सादी, कैसे बार वाली बन जाती है, कैसे लड़ती है अपनी जिंदगी में, तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा, इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया है, इतना अच्छा वेलकम किया है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शक मुझे जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा आज जो है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, और क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में, क्योंकि थोड़ा कुछ सिमिलर लग रहा है हमें बिपाशा बासु से, तो इस बारे में इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच, बिपाशा बासु की तरह अगर मैं दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअली मेरा ये फिल्म में ये लुक नहीं है, मेरा लुक बहुत ही सिंपल है, देसी लुक है, तो आपको मैं अभी तक मॉडर्न लुक में ही दिख रही हूँ हमेशा। अब मेरा आप लोग देसी लुक देखेंगे, पूरा ठेठ भोजपुरिया लुक। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कि मैं अभी पाशा आवासु लग रही हूँ, और इसके बाद जो मेरा लुक है देसी है वो आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आज बिपाशा बासु की शादी भी है, तो उसके लिए कोई विश करना चाहेंगे बिपाशा बासु के लिए? आज बिपाशा की शादी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं बिपाशा को कहूंगी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मैं पायस पंडित और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। प्रियंका जी, पायस जी, ये इंडस्ट्री में जो भी अभी जो नई एक्ट्रेस आ रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जैसे शुरुआत की, आपने काफी इंस्पायर्ड करती है आप सभी लड़कियों को, तो कुछ टिप देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री है ये? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैं नए लोगों से, जैसे कि मैं भी अभी नई है, मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आपके साथ कौन हीरो है कौन वो, ये मैटर नहीं रखता। आप बस, आपको अगर कोई ऑफर आता है, कोई काम आता है, अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करो और उसमें अपना 100% दो, बस आपको अच्छा ही मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है, आप अभी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो क्या सुधार करेंगी, कैसे सुधार करेंगी?
देखिए मैं तो कुछ सुधार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी नहीं आई हूँ इस फील्ड में, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे वेलकम करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करें लोग, कि अच्छी स्क्रिप्ट लोग, जरूरी नहीं कि बड़े बजट से ही कोई काम होता है। बजट ठीक है, आपका बजट कम है फिल्म में, अभी इसकी इंडस्ट्री छोटी है, इसका एक वो है, लेकिन स्क्रिप्ट पे, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करें, हीरोइन ओरिएंटल मूवी बनाए, ये सोच के ना बनाए कि नहीं भोजपुरी के दर्शकों को तो यही पसंद है तो हम यही बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा टेस्ट आप डेवलप करो तो हमारे दर्शक जरूर डेवलप करेंगे। मैं चाहती हूँ हीरोइन ओरिएंटल मूवी बने और रियलिटी पे मूवी बने और थोड़ी अच्छी मूवी, थोड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे अच्छा काम करे, बस मैं यही चाहती हूँ। अभी बॉलीवुड में एक दौर चल पड़ा है जैसे बायोपिक हो गई, तो ऐसी कोई मूवी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भोजपुरी के? बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। देखिए रियल जो स्टोरी होती है वो हर इंसान को छूती है, कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी हो, सब चाहते कि रियल स्टोरी। तो मैं अपील करना चाहूंगी दर्शकों से भी कि अगर ऐसी मूवी बनती तो प्लीज अपना सपोर्ट करें, देखें। और डायरेक्टर से भी कहना चाहूंगी कि अच्छी नई नई स्क्रिप्ट लेके आए, नए नए लोगों को चांस दे। ऐसा नहीं कि अब एक दौर चल गई, एक हीरोइन चल गई, अब एक हीरोइन के पास 500 काम है, उसके पास डेट ही नहीं है, नई नई हीरोइन को चांस ही नहीं मिलता। तो आप नई हीरोइन को भी चांस दें, उन्हें भी मौका दें और नया नया एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नया चीज कोशिश नहीं करोगे, इस डर से नहीं कि भाई भोजपुरी का ये टेस्ट ही है, तो आप रिस्क लो और दर्शक जरूर हमें सराहेंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी अभी फिलहाल। अच्छा, जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो गई है टकराव, जिसमें मैं आपको दूसरे भूमिका में दिखूंगी, दूसरे रोल में दिखूंगी। ये मेरी दूसरी मूवी है, इसमें मैं पूरी देसी, पूरा मतलब बाहरवाली का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मैं बस इतना कहूंगी कि बस सराहते जाएं और अच्छे और नए कलाकार के नए स्क्रिप्ट को आप सराहना दें, उसको आप पसंद करें, ताकि हम लोग कभी मनोबल बढ़े और हम नई नई मूवी बनाए। थैंक यू। पवन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का किरदार में नजर आने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर, और फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के जरिए हम अपने श्रोता बंधु के पैर छू के प्रणाम करते हैं। फिल्म के स्टोरी आदमी रिलीज के पहले ना बता पावेला, लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी बा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय निषाद जी और डायरेक्टर बानी इकबाल बख्श जी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बाणे। और विशेष बात ही बाकी इसमें जो मेन विलेन हैं सुशील सिंह जी, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एक कलाकार जब जुड़ा है तो कोशिश रही कि अच्छा से अच्छा हो और बढ़िया होगा। जी, पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, कोई रेफरेंस लिया था आपने, क्या क्या तैयारियां की थी इस किरदार के लिए आपने? आज हम एक बात और बता दें कि मैं अभी यूपी बिहार में 13 दिन लगातार शो करके आया हूँ, और इस लोहा पहलवान जो फिल्म के नाम बा, आज से एकर शूटिंग शुरू भइल है। अच्छा समय अच्छा दिन देख के, थोड़ा सा डेट के भी प्रॉब्लम बा, तो अभी 4 या 5 दिन का ही डेट दिया हूँ इस फिल्म के लिए, तो अभी शुरुआत है और आज 3-4 सीन है वो शूट होगा, और इसके बाद हम बैठेंगे भैया के साथ कि क्या है कैसे है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, मजा आएगा। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श जी हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं पहली बार इनके डायरेक्शन में काम करूंगा, अभी तो आज फिल्म की शुरुआत है और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, दो कलाकार जब मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे, जो क्या एक्सपीरियंस जो लगातार आप शो किए हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं? बहुत काफी दिनों के बाद हम लगातार इतना शो किए,
और बहुत मजा आया अपने श्रोता बंधु से मिलके और अपने श्रोता के सामने जाके अपने दिल की बात हम बताए, गाना गाए, हम लोग डांस किए। मेरा श्रोता बंधु भी भाई लोग जितने आते थे लाखों के तादाद में सब लोग डांस किए, बहुत मजा आया और लगा कुछ जीवन में नया किया। बहुत बहुत बढ़िया आया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये बात करें चाहे जो इस फिल्म के नायिका बने पायस पंडित, अभी भोजपुरी सिनेमा में एंट्री के लिए बने, इनका कहे चाहे उनका साथ आपके हीरोइन बने फिल्म में। ये लाइन ऐसा है कि हम हो चाहे कोई भी हो, इस लाइन के ऊंचाई का कोई हद नहीं है। सीखना सबको है और पहली बार ये हमारे साथ काम करेंगी और अभी तो हम मेकअप रूम में है, निकलब अभी जाके मिलब और फिर आप लोगों से बात करब। दर्शक लोग से क्या कहे चाहब? हम ये कहब कि बचपन से लेके आज तक जौन हमके प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते आ रहल बा और ये आशीर्वाद हमारे भाई लोग के, चाचा के, माई बहन के जीप का सेंटर। ओके चलिए, ये है आपका जैसे हाँ एक्शन में बेटा नीचे है, एक्शन में लिया बेटा, गाड़ी बंद कर दो, फिर ऊपर आएगा ना, मैं बोलूंगा उतरो, दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बढ़ना कमिश्नर के यहाँ पे पीछे ट्रक देख ले उसकी होता है ऑडियो तो डाल चल करेंगे। वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट। हाँ फोन चेंज हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ये बाबू 62 था, समझ नहीं आ रहा, मॉनिटर देख रहा था। ये सब मत ले, चुप करो, आगे जाओ, थोड़ा आगे आउट करो, हाँ ये थोड़ा आगे आगे जाओ। शूटिंग हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होगा? फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की, मेरा लोहा पहलवान है और इसमें थाने का सेटअप लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ। कहानी बेसिकली एक पुलिस वाले की और एक शहर है जहाँ पे लोहा पहलवान का शासन चलता है, प्रशासन का नहीं चलता है। पवन जी की एंट्री होती है, पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, टोटल कमर्शियल मसाला है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? प्रोडक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, मैं चौथी फिल्म कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरह के डायरेक्टर बहुत क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर जो भी शूट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सकती है। प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर्स आए कि जो सही में फिल्म चलते हैं मजाक में। इसके अलावा अपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने, क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है, तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए आपने देखा होगा छोटे बाल 55-60 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो की है इसमें, मैंने बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा लैंग्वेज के लिए। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है, ये बहुत ही अलग है निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार, और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आर्य में फिल्म है लोहा पहलवान, जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की, अपने संजय भाई की उनकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है, तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके साथ हमने 3-4 फिल्में कर चुका हूँ
तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है, तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को, और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन जी। और पवन जी भी है फिल्म में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक तहते हुए स्टार हैं, चमकते हुए स्टार हैं, तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगा। और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, हमारे आदर्श हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर जो हैं वो तो मेरे अजीज ही हैं, जो कि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं। मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ, पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी, हमसे बढ़कर कौन, ज्वाला, फिर अभी टकराव, हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है। तो बहुत ही अच्छे उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके साथ काम करता है उनका दीवाना हो जाता है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ, तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है, तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये बात भी बताऊँगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे फेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है पास, जो होगा आपको। थैंक यू सो मच। लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन है। सुशील जी का नाम है फिल्म लोहा पहलवान। हाँ, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है, और कैसे स्टार कास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म के लिए? वो पहला दिन है, पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपर स्टार है। और फिल्म के स्टार कास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई, पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी लिखी हुई थी फिल्म को। हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे, तो पवन जी के साथ में करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू करें। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का करेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, अपनी सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था, तो इस सीक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सीक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली एक बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है, और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है एक्चुअली, पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं। यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप कर पाया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है एक्चुअली। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो मतलब सिंसियर नहीं है एक्चुअली काम को लेके, और बस एक पुलिस थाना चल रहा है किसी तरह चला रहे हैं ऐसा। सर, इसके अलावा खबर है कि आप निरहुआ को लेकर एक बड़ी बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक फिल्म दिनेश जी के साथ में एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली, ये निषाद प्रोडक्शन के बैनर तले ही बन रही है, इसमें दो लोग हैं निषाद प्रोडक्शन और JML इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दो लोग मिलकर बना रहे हैं, और ये इसके प्रोड्यूसर संजय निषाद हैं, इसी इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी संजय निषाद हैं। तो वो दिनेश जी के साथ में एक्चुअली प्लान कर रहे हैं हम लोग एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिनेमा लाइक बाहुबली, मगधीरा, बाजीराव मस्तानी, थोड़ा सा मतलब वो फील रखा है हम लोगों ने,
और उस तरह का सिनेमा बनाने बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो किरदार के बारे में बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले और आज कौन सा फिल्म की शूटिंग हो रही है? आज तो लोहा पहलवान की शूटिंग है। लोहा पहलवान पाल भगत जी कैरेक्टर है इसमें, पवन सिंह जी, और मैं लोहा पहलवान के बेटे का रोल नाम है साइकिक कैरेक्टर है। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मैंने फिर पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत प्यारी फैन, बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्टोरी नया पढ़ी। लोहा पहलवान देख के पढ़ के लोगों में दहशत तो फैलना होगा। आपका क्या किरदार होगा सर? मैं लोहा पहलवान के बेटे का, यानी सुशील जी के बेटे का रोल है, थोड़ा साइकिल हीरोइन को बहुत प्यार कर रहे हैं, वो पाने के लिए वो सारे हृदय को सब कुछ रोल लेती थी। अच्छा, और पवन जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का? पवन जी सब काम करने बहुत अच्छे हैं, पवन जी मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी हेल्प थी, मेरे पापा के साथ कैसा तो हमेशा रहेगा, बट मुझे बाजी से मैं पहली बार काम करूँ, पहले मौका मिला और अभी मौका मिला, सुशील देव मैंने काम किया, प्रकाश जैस जी के साथ काम किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जब मैं प्रकाश जैस जी और सुशील जी अपने जी दोनों जी दो ही जिन्हें सबका मिला है। थैंक यू सर। पहला सवाल आपका रहेगा, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और अपना किरदार किस तरह का होगा फिल्म में आपका? पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, मैं पायस पंडित, ये मेरी दूसरी मूवी है, इसका नाम है लोहा पहलवान। इसमें मेरे साथ हैं पवन सिंह। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ये एक बारवाली का कैरेक्टर है, एक्चुअली बारवाली का नहीं है, मतलब मैं बहुत सीधे घर की, गरीब घर की सीधी सी लड़की थी, और जिसमें कुछ विलन लोग मिलकर मेरे मम्मी पापा का मर्डर कर देते हैं और मुझे लाकर बार में काम कराया जाता है, तो मैं इसमें बारवाली का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिसमें मेरे साथ पवन जी हैं जो मुझे वहां से मुझे बचाते हैं। फिर हम लोग बार में कैसे लड़कियों को लाया जाता है, कैसे उनके साथ ट्रीट किया जाता है, ये सारी इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो ऐसी फिल्म में। तो अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और कोई रेफरेंस लिया, क्योंकि बॉलीवुड में भी कई एक्ट्रेस है जिन्होंने ये रोल प्ले किया, जैसे करीना हो गई काफी, और तब्बू है, तो किसी से रेफरेंस लिया और क्या प्रिपरेशन किया अपने किरदार को लेकर? हाँ, जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे कहा गया कि बार वाले का कैरेक्टर है, तो अभी मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म कंप्लीट की है टकराव, जिसका भी पैच वर्क कुछ बाकी है, उसके तुरंत बाद मुझे ये स्क्रिप्ट आ गई, तो मुझे ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला कि मैं रियल बार में जा सकूं और वहां की लड़कियों को देख सकूं कैसा काम करती हैं वो। लेकिन इसके लिए मैंने यूट्यूब में चांदनी बार, करीना की चमेली, काफी मूवी पे मैंने सर्च किया, काफी उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़े और कैसा बिहेव करती, तो काफी कुछ मैंने सर्च किया है, क्योंकि आजकल यूट्यूब है तो इजी है हम लोगों के लिए, हम सेट पे भी देख देख के काफी कुछ सीख लेते हैं, तो मैंने उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसअप, उनका उनकी सोच, काफी कुछ सीखा है मैंने जी। इसके अलावा जो है आपने भोजपुरी से अपने करियर की शुरुआत की, तो कोई खास वजह, क्योंकि जो भी मॉडलिंग में जाती है वो पहले बॉलीवुड का सपना देखती है या फिर कोई और इंडस्ट्री का सपना देखती है, तो आपने भोजपुरी से अपनी शुरुआत क्यों की? देखिए, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आर्टिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता लैंग्वेज, मेरे लिए काम मायने रखता है। मैं इस इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे लगा मुझे काम करना है, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर के साथ, तो मैं मॉडलिंग मैंने किया, टीवी शो भी किए। जब मुझे ये ऑफर हुआ भोजपुरी, तो मेरे दिमाग में पहले आया कि ना करूं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, लैंग्वेज मैटर नहीं रखता, आप आर्टिस्ट हो, आपको किसी भी लैंग्वेज में बस अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना है, अगर हम बचेंगे लैंग्वेज की, हम नहीं करें हम, तो अच्छे आर्टिस्ट कहाँ से आ पाएंगे? भोजपुरी में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े लोग काम करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ने काम किया है, अजय देवगन जी ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ तो इससे मेरा करियर खराब हो रहा है या खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे और मेरे करियर को नई ऊंचाइयां मिलेगी, मुझे और काम मिलेगा और दर्शक मुझे जरूर सराहेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का, अगर करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक की बात करें तो?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। दर्शकों ने मुझे इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया है, मुझे बैक टू बैक मूवी मिल रही है और हर मूवी में मुझे अलग अलग कैरेक्टर करने को मिल रहा। पहली मूवी में मैंने नकचढ़ी बिगड़ी हुई लड़की का, मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर किया था और उसकी दूसरी मूवी इतना चैलेंजिंग रोल, बार वाली का कैरेक्टर, गाँव की लड़की है सीधी सादी, कैसे बार वाली बन जाती है, कैसे लड़ती है अपनी जिंदगी में, तो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा, इतनी जल्दी इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया है, इतना अच्छा वेलकम किया है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी और मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शक मुझे जरूर अपनाएंगे। इसके अलावा आज जो है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और क्या कहना चाहेंगे अपने लुक के बारे में, क्योंकि थोड़ा कुछ सिमिलर लग रहा है हमें बिपाशा बासु से, तो इस बारे में इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेंगे? थैंक यू सो मच, बिपाशा बासु की तरह अगर मैं दिख रही हूँ आप लोग को, लेकिन एक्चुअली मेरा ये फिल्म में ये लुक नहीं है, मेरा लुक बहुत ही सिंपल है, देसी लुक है, जो आपको मैं अभी तक मॉडर्न लुक में ही दिख रही हूँ हमेशा। अब मेरा आप लोग देसी लुक देखेंगे, पूरा ठेठ भोजपुरी लुक। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू कि मैं बिपाशा बासु लग रही हूँ और इसके बाद जो मेरा लुक है देसी है वो आप फिल्म में देखेंगे। अच्छा, आज बिपाशा बासु की शादी भी है तो उसके लिए कोई विश करना चाहेंगे बिपाशा बासु के? ओ, आज बिपाशा की शादी है, मुझे पता नहीं था, तो मैं बिपाशा को कहूंगी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन और शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, मैं पायस पंडित और आप देख रहे हैं भोजपुरी अड्डा। एक सेकंड, वो हेलमेट आता था बस। प्रियंका जी, सॉरी पायल जी, ये इंडस्ट्री में जो भी अभी जो नई एक्ट्रेस आ रही है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जैसे शुरुआत की, अपने काफी इंस्पायर्ड करती है आप सभी लड़कियों को, तो कुछ टिप देना चाहेंगे उन्हें, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह की इंडस्ट्री है ये? इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं नए लोगों से, जैसे कि मैं भी अभी नई हूँ, मेरी दूसरी फिल्म है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि छोटा काम है या बड़ा काम है, छोटा प्रोडक्शन हाउस है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आपके साथ कौन हीरो है कौन वो, ये मैटर नहीं रखता। आप बस, आपको अगर कोई ऑफर आता है, कोई काम आता है, अपनी पूरी लगन के साथ आप काम करो और उसमें अपना 100% दो, बस आपको अच्छा ही मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है, आप अभी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, तो क्या सुधार करेंगी, कैसे सुधार करेंगी? देखिए, मैं तो कुछ सुधार नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ इस फील्ड में और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे वेलकम करें और मुझे फीडबैक दें, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री में, जैसा कि मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री में थोड़ा स्क्रिप्ट पे काम करें लोग, कि अच्छी स्क्रिप्ट लोग, जरूरी नहीं कि बड़े बजट से ही कोई काम होता है। बजट ठीक है, आपका बजट कम है फिल्म में, अभी इसकी इंडस्ट्री छोटी है, इसका एक वो है, लेकिन स्क्रिप्ट पे, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम करें, हीरोइन ओरिएंटल मूवी बनाए, ये सोच के ना बनाए कि नहीं भोजपुरी के दर्शकों को तो यही पसंद है तो हम यही बनाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा टेस्ट आप डेवलप करो तो हमारे दर्शक जरूर डेवलप करेंगे। मैं चाहती हूँ हीरोइन ओरिएंटल मूवी बने और रियलिटी पे मूवी बने और थोड़ी अच्छी मूवी, थोड़ा उसकी स्क्रिप्ट पे अच्छा काम करे, बस मैं यही चाहती हूँ। अभी बॉलीवुड में एक दौर चल पड़ा है जैसे बायोपिक हो गई, तो ऐसी कोई मूवी के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भोजपुरी के? बिल्कुल मैं करना चाहूंगी। देखिए, रियल जो स्टोरी होती है वो हर इंसान को छूती है, कि चाहे वो भोजपुरी हो चाहे कोई भी हो, सब चाहते कि रियल स्टोरी। तो मैं अपील करना चाहूंगी दर्शकों से भी कि अगर ऐसी मूवी बनती तो प्लीज अपना सपोर्ट करें, देखें, और डायरेक्टर से भी कहना चाहूंगी कि अच्छी नई नई स्क्रिप्ट लेके आए, नए नए लोगों को चांस दे। ऐसा नहीं कि अब एक दौर चल गए, एक हीरोइन चल गई, अब एक हीरोइन के पास 500 काम है, उसके पास डेट ही नहीं है, नई नई हीरोइन को चांस ही नहीं मिलता, तो आप नई हीरोइन को भी चांस दें, उन्हें भी मौका दें और नया नया एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि जब तक आप नया चीज कोशिश नहीं करोगे, इस डर से नहीं कि भाई भोजपुरी का ये टेस्ट ही है,
तो आप रिस्क लो और दर्शक जरूर हमें सराहेंगे, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी अभी फिलहाल। अच्छा, जाते जाते कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी एक फिल्म कंप्लीट हो गई है टकराव, जिसमें मैं आपको दूसरे भूमिका में दिखूंगी, दूसरे रोल में दिखूंगी। ये मेरी दूसरी मूवी है, इसमें मैं पूरी देसी पूरा मतलब बाहरवाली का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो मैं बस इतना कहूंगी कि बस सराहते जाएं और अच्छे और नए कलाकार के नए स्क्रिप्ट को आप सराहना दे, उसको आप पसंद करें, ताकि हम लोग कभी मनोबल बढ़े और हम नई नई मूवी बनाए। थैंक यू। थैंक यू। पवन जी, सबसे पहले तो इस फिल्म में आप पुलिस ऑफिसर का किरदार में नजर आने वाले हैं, तो क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को लेकर, और फिल्म के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है ऑडियंस के लिए? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के जरिए हम अपने श्रोता बंधु के पैर छू के प्रणाम करत हैं। फिल्म के स्टोरी आदमी रिलीज के पहले ना बता पावेला, लेकिन बहुत बढ़िया स्टोरी बा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं संजय निषाद जी और डायरेक्टर बानी इकबाल बख्श जी, म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा बाने। और विशेष बात ही बाकी इसमें जो मेन विलेन हैं सुशील सिंह जी, हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और एक कलाकार जब जुड़ा है तो कोशिश रही कि अच्छा से अच्छा हो और बढ़िया होगा। पुलिस ऑफिसर के किरदार में है, तो क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, कोई रेफरेंस लिया था आपने, क्या क्या तैयारियां की थी इस किरदार के लिए आपने? आज हम एक बात और बता दें कि मैं अभी यूपी बिहार में 13 दिन लगातार शो करके आया हूँ, और इस लोहा पहलवान जो फिल्म के नाम बा, आज से एक शूटिंग शुरू भइल है। अच्छा समय अच्छा दिन देख के थोड़ा सा डेट के भी प्रॉब्लम बात, अभी 4 या 5 दिन का ही डेट दिया हूँ इस फिल्म के लिए, तो अभी शुरुआत है और आज 3-4 सीन है वो शूट होगा, और इसके बाद हम बैठेंगे भैया के साथ कि क्या है कैसे है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, मजा आएगा। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्शी हैं, क्या करना चाहेंगे? मैं पहली बार इनके डायरेक्शन में काम करूंगा, अभी तो आज फिल्म की शुरुआत है और कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, दो कलाकार जब मिलेंगे तो अच्छा काम करेंगे। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे, जो क्या एक्सपीरियंस जो लगातार आप शो किए हैं उसके बारे में बताना चाहे? ये बहुत काफी दिनों के बाद हम लगातार इतना शो किए और बहुत मजा आया अपने श्रोता बंधु से मिलके और अपने श्रोता के सामने जाके अपने दिल की बात हम बताए, गाना गाए, हम लोग डांस किए, मेरा श्रोता बंधु भी भाई लोग जितने आते थे लाखों के तादाद में सब लोग डांस किए, बहुत मजा आया और लगा कुछ जीवन में नया किया, बहुत बहुत बढ़िया आया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ये बात करें चाहे जो इस फिल्म के नायिका बने पायस पंडित, अभी भोजपुरी सिनेमा में एंट्री के लिए बने, कहा गए चाहे उनके साथ आपके हीरोइन बने फिल्म में? ये लाइन ऐसा है कि हम हो चाहे कोई भी हो, इस लाइन के ऊंचाई का कोई हद नहीं है, सीखना सबको है, और पहली बार ये हमारे साथ काम करेंगी, और अभी तो हम मेकअप रूम में है, निकलब अभी जाके मिलब और फिर आप लोगों से बात करो। दर्शक लोग से क्या कहे चाहे? हम ये कहब कि बचपन से लेके आज तक जौन हमके प्यार दुलार आशीर्वाद मिलते आ रहल बा, और ये आशीर्वाद हमारे भाई लोग के, चाचा के, माई बहन के, जिसका डंडा ओके चलिए ये है आपका, जैसे हाँ एक्शन में बेटा नीचे है ना, एक्शन में लिया बेटा,
गाड़ी बंद कर दो ना, गाड़ी बंद कर दो, फिर ऊपर आएगा ना, मैं बोलूंगा उतरो, दोनों आगे उतरना और आगे यहाँ से बंद कमिश्नर की यहाँ पे पिछले ट्रक देख ले उसके बाद चलो ऑडियो तो डाल चर्चा करेंगे। वो छोड़ दिया प्रकाश जी का शॉट। हाँ फोन चेंज हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है बाबू, इसके आगे 62 था, समझ में नहीं आया तेरे को, मॉनिटर देख रहा था। ये सब मत ले, चुप करो, आगे जाओ, तो आगे आओ कौन को, हाँ ये थोड़ा आगे, आगे जाओ। शूटिंग हो रही है, इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका क्या किरदार होगा? फिल्म की शूटिंग चल रही है लोहा पहलवान की, मेरा नाम लोहा पहलवान है और इसमें थाने का सेटअप लगा हुआ है, पुलिस स्टेशन के सीन्स हो रहे हैं और यहाँ तक मेरी बात है कि तो मैं लोहा पहलवान खुद ही प्ले कर रहा हूँ। कहानी बेसिकली पुलिस वाले की और एक शहर है जहाँ पर लोहा पहलवान का शासन चलता है, प्रशासन का नहीं चलता है। पवन जी की एंट्री होती है, पवन जी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने, किस तरह से चीज़ों को ठीक करते हैं, टोटल कमर्शियल मसाला है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? प्रोडक्टर के साथ ये मेरी चौथी फिल्म है, कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से डायरेक्टर बहुत क्लियर, बहुत कॉन्सेप्ट में क्लियर जो भी शूट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर सके। प्रोड्यूसर संजय जी जो हमारे हैं वो ऐसे गिने चुने प्रोड्यूसर बहुत कम, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर्स आए कि जो सही में फिल्म चलते हैं मजाक में। इसके अलावा आपने किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की थी आपने, क्योंकि हमेशा से आपको विलन के किरदार में देखा गया और हमेशा से आपको परफेक्ट, अपने परफेक्ट किरदार के लिए जाना जाता है, तो इस किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने? इस किरदार के लिए आपने देखा होगा मेरे बाल 55-60 साल की उम्र का किरदार है तो मैंने तो की है इसमें, मैंने बाकी फिल्म में और भी कोशिश करूँगा लैंग्वेज के लिए। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने प्यार दिया है उस तरह से दीजिएगा और प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अलग फिल्म है, ये बहुत ही अलग है निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे लोहा पहलवान और आपका क्या किरदार होगा फिल्म? सबसे पहले मैं सभी भोजपुरी दर्शकों को अमरीश सिंह की तरफ से नमस्कार, और जो कि यहाँ पे शूट चल रहा आर्य में फिल्म है लोहा पहलवान, जो कि बिल्कुल सुशील सिंह जी हैं और पवन जी इसमें एज ए हीरो हैं, और मैं बिल्कुल इसमें जो किरदार है वो निर्धारित नहीं है कि मैं इसमें कर रहा हूँ, लेकिन इनकी होम प्रोडक्शन जो फिल्म मेरी टकराव है अभी निषाद प्रोडक्शन की अपने संजय भाई की है, उनकी दूसरी फिल्म है, पहली फिल्म में एज ए हीरो टकराव की जो कि 80% कम्प्लीट हो गई है, तो शायद इसी के दरमियान वो भी शूट चलेगी। और बिल्कुल हमारे अजीज डायरेक्टर इकबाल जी हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम है जो कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके साथ हमने 3-4 फिल्में कर चुका हूँ, तो बिल्कुल ये हमारा होम प्रोडक्शन है, तो मैं सबको शुभेच्छा दूंगा, इस फिल्म के सारे टेक्नीशियन को और सारे कलाकारों को और ढेर सारी बधाई हो जो कि आज पहला दिन है। और पवन जी भी है फिल्म में तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में? पवन जी हमारे बड़े सीनियर इंडस्ट्री के एक तहते हुए स्टार हैं, चमकते हुए एक स्टार हैं, तो मैं ढेर सारी बधाई दूंगा, और पवन भाई हमारे बड़े अजीज कलाकार हैं, हमारे आदर्श हैं, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर जो है वो तो मेरे अजीज ही हैं जो कि शुरुआती दौर के मेरे डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ चौथी फिल्म कर रहा हूँ, पहली फिल्म मेरी राउड़ी रानी, हमसे बढ़कर कौन, ज्वाला, फिर अभी टकराव हमारे इकबाल जी ही उनके डायरेक्शन में मैंने किया है, तो बहुत ही अच्छे उनके साथ काम करने में मुझे ऐसा लगता है जो कि उनके साथ काम करता हूँ उनका दीवाना हो जाता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फिल्म का नाम है लोहा पहलवान और मैं विक्की का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरी सेकंड मूवी है इकबाल जी के साथ और संजय जी के साथ, तो मूवी तो बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन सिंह जी है तो उनके साथ काम करने के लिए कितना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं?
ये बात भी बताऊंगा, मेरी फर्स्ट मूवी है उनके साथ भी, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत फेमस है, एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी है, नर्वस है, बड़े एक्टर हैं, देखिए कैसे फेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आज की बात करें तो ऑन लोकेशन शूट हो रहा था आपका, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम फ्रेश, वेरी गुड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अब तक के लिए फिलहाल इतना ही है बस, जो होगा आपको। थैंक यू सर। हारोलिंग, लोहा पहलवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है? लोहा पहलवान एक्चुअली एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में पवन सिंह जी एक्चुअली लीड कर रहे हैं और सुशील जी मेन विलन है। सुशील जी का नाम एक्चुअली लोहा पहलवान। अच्छा, इसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि आज पहला दिन है, और कैसे स्टारकास्ट फाइनलाइज हुई फिल्म के लिए? वो पहला दिन है, पवन सिंह जी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छे इंसान है, सुपरस्टार है, और फिल्म की स्टारकास्ट एक्चुअली पवन जी को लेके दिमाग में रख के ही ये कहानी लिखी गई, पवन जी को और सुशील जी को दिमाग में रखी कहानी लिखी हुई थी। फिल्म को हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे 6 महीने से कि फिल्म को करेंगे तो पवन जी के साथ में करेंगे, पवन जी की डेटें एडजस्ट हुई तो हम लोग फिल्म को शुरू। पवन जी जो है पुलिस ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले, तो उस किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन की है आपने अपने तरफ से? कोई प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, एक दबंग पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है जो पवन जी हैं, एक्चुअली नेचुरल लाइफ में वैसे लगते हैं, एक दबंग ऑफिसर हैं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब एक आम स्टोरी है, एक आम कहानी है, स्क्रीन प्ले चेंज है, डायलॉग्स चेंज है, ट्रीटमेंट चेंज है, फिल्म अलग है, फिल्म वही है, दबंग वही है, अपने सिंघम उसी तरह की फिल्म है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज भी एक ऑन लोकेशन शूट हो रहा था, तो इस सिक्वेंस के बारे में बताइए, किस तरह का सिक्वेंस था आज? एक्चुअली ये रामपुर पुलिस थाना रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्चुअली एक बाहुबली है लोहा पहलवान, उसका बहुत दबदबा है, और वो जो हैं उनके नाम से पूरा शहर कांप रहा है, एक्चुअली पुलिस प्रशासन सारे लोग मतलब उनसे डरते हैं, यहाँ जो भी ऑफिसर आया है तो या तो लोहा पहलवान ने उनको मरवा दिया है या किडनैप करवा लिया, यहाँ आने से सब कतराते हैं। तो पवन जी की जो ड्यूटी यहाँ पर लगती है सर्कल इंचार्ज के बतौर, तो वो यहाँ आते हैं इंचार्ज बनकर और पुलिस थाने का चार्ज लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बिखरा हुआ है, एक्चुअली यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस थाने का, वो सारे लोग मतलब जो है वो